इस YouTube चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरकारी योजना से रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि हाई सर्च वॉल्यूम और हाई CPC वाले कीवर्ड्स होने वाली है, जो कि आप अगर हिंदी में भी आर्टिकल लिखते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे CPC और रैंकिंग दोनों मिलेगी, ठीक है, और बहुत जल्द मिलेगी, जो जिसका कॉम्पिटिशन बहुत ही कम होगा, वो सारी कीवर्ड्स मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अगर आप लोग को ब्लॉगिंग सीखनी है तो आपको बहुत ही कम समय में टोटल चीज़ सिखाई जाएगी विथ लाइव क्लासेस एनीडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कीवर्ड्स। पहला कीवर्ड्स होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यहाँ कीवर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों 51K का सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे CPC यहाँ पे देख सकते हो $1 का है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप CPC आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, $1 का CPC है दोस्तों यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा CPC होता है, ठीक है। $1 यहाँ पे CPC जो आपको इंडिया में इंडिया के ट्रैफिक में मिल रहा है, तो दोस्तों समझो कि यह बहुत ही है। $1 तो नहीं है लेकिन 0.20 डॉलर मिल ही जाएगा यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो जो रैंकिंग वेबसाइट है ना, वहाँ 37 जो कि अभी अभी हाल ही में सब जो वेबसाइट है हिंदी योजना वगैरह सब यहाँ पे हाल ही में सब वायरल हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट, तो आप लोग भी यहाँ पे रैंकिंग में अच्छा खासा यहाँ पे आ सकता है अगर आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आपने इस कीवर्ड पे काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे व्यूअल पे क्लिक करके बताते हैं, बाकी हेल्पिंग कीवर्ड के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट दोस्तों वेट करें, सर्चिंग हो रही है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है शायद। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1188 कीवर्ड्स आ गए हैं टोटल, लगभग यहाँ पे 1188 कीवर्ड्स है दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। और 51K का सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे, 8,000 का भी है, 5,000, 4,000, 3,000, ठीक है, जो कि अच्छा खासा क्लिक भी इनका मिल रहे हैं, क्लिक्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो भी है वर्क करना चाहिए ये सब वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे मिल रही है CPC देख सकते हैं, CPC देख सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे देखिए इन हिंदी CPC देख सकते कितना ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग 1.70 डॉलर का CPC यहाँ पे मिल रहा है इस कीवर्ड पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इस कीवर्ड को बिल्कुल यहाँ पे वर्क करना चाहिए। यहाँ पे पोस्टर लोग सर्च कर रहे हैं और इनका भी CPC अच्छा खासा है यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, बाकी यहाँ पे PNG है उसका नहीं है, बट स्कीम भी सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे 0.60 का, आप देख सकते हो दोस्तों सारा पे CPC है, लगभग लगभग सारा पे CPC यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1. यहाँ पे 90 डॉलर का भी CPC यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा कीवर्ड है बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी, जो कि जो लोग बेरोजगार है उनके लिए जो स्कीम निकलती है ना वो सारा यहाँ पे आपको इंक्लूड करके एक आर्टिकल बेस बहुत अच्छा तैयार करना है, हिंदी में भी आपको रैंक कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 21K का सर्च बोलो में CPC थोड़ा कम है लेकिन दोस्तों कीवर्ड्स है। आप यहाँ पे देखो जो 313 और यहाँ पे और क्या, बस इतना ही देख रहे आप लोग, 3DA वाली रैंक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब बीट कर गई है यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 13 है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका 91D है फिर भी इनको बीट करके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो आप लोग इस कीवर्ड पे वर्क कर सकते हो, ठीक है दोस्तों यहाँ पे, और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा, एक मिनट दोस्तों इसका पूरा मैंने डिटेल नहीं बताया, बट यहाँ पे व्यू ऑल करके पूरा बता देता हूँ अभी, ठीक है, इसके लिए सॉरी थोड़ा जल्दी में हो जाता हूँ, सब काम जल्दी करने का आदत है। हाँ तो दोस्तों सर्च हो रही है तब तक इसको देख लेते हैं, विवाह अनुदान, ठीक है। हाँ देखिए सर्च हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा CPC मिल रही है, ये सब पे भी अच्छा खासा CPC मिल रही है, जिसको एक अच्छा खासा CPC देखने को यहाँ पे कहा जाए, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 28K का सर्च वॉल्यूम है, ग्लोबल भी 28 है, क्लिक जो है कि अच्छा खासा यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा CPC यहाँ पे सॉरी क्लिक्स मिल रही है, ठीक आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स हमारा है विवाह अनुदान, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16,000 का सर्च वॉल्यूम है, CPC अच्छा है, क्लिक भी अच्छा खासा मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 4DA वाली वेबसाइट भी रैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 4DA वाली वेबसाइट भी रैंक है। और यहाँ पे 17 वाली और 19 वाली, देखिए एक ही वेबसाइट दो बार, सरकारी योजना सरकारी योजना, जो कि दो बार रैंक हो गया यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों में ट्रैफिक अच्छा खासा ले रही है ये वेबसाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हिंदी में भी वर्क कर सकते हो, इंग्लिश में भी वर्क कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छा खासा CPC यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे टोटल्स कीवर्ड्स देखने का ट्रिक्स है, यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार। टोटल कीवर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना 70 कीवर्ड्स हैं, लेकिन दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे है, सारा पे सर्च वॉल्यूम कुछ ना कुछ है ही, ठीक है। तो आप अच्छा खासा यहाँ पे रैंक करा सकते हो ये सब कीवर्ड को भी, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल से वर्क करना चाहिए ये सब कीवर्ड पे, तो आपके लिए फायदेमंद होंगे अगर आप सरकारी योजना या एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट चला रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल वर्क करना चाहिए, तो आपको फायदा होंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदा होंगे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कीवर्ड्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि MP भुलेख, जो कि इनका सर्च वॉल्यूम है ना बहुत ही ज़्यादा है, 1,33,000 का CPC देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे 100K के ऊपर से क्लिक भी आ रहा है। तो दोस्तों आप अगर एक कीवर्ड भी रैंक कर जाती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे मिलने वाली है, और आप रैंक करा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 वाली भी रैंक है, 9 वाली भी रैंक है, मतलब DA, ठीक है, और यहाँ पे 37 है, जो कि जब 3 वाली रैंक कर सकती है तो दोस्तों आप भी रैंक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रैंक कर सकते हो, थोड़ा बहुत बैकलिंक अगर बना लेते हो आप तो, ठीक है, इस कीवर्ड पे। और इस कीवर्ड को आपको थोड़ा सा सावधानी से लिखना होगा और अच्छा से इन्फॉर्मेशन देना होगा, तभी आप रैंक करा पाएंगे, क्योंकि पहले का वेबसाइट है जो उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी होगी, तभी उन्होंने रैंक करवाई है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही वर्क करना, CPC का चिंता आप मत कीजिए। बाकी यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके देखते हैं कि और क्या क्या इसमें मिल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे एक कीवर्ड्स और मिल गया उल्टा इसका, जो कि 56K का सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पे देख सकते हो $1 का CPC भी मिल रहा है, और बाकी बहुत सारे कीवर्ड्स नीचे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप अच्छा सा खासा यहाँ पे वर्क कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे घबराए नहीं और वर्क करें सावधानी से। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है राइटर्स भरोसा, यहाँ पे देखिए 0 है, 27K का सर्च वॉल्यूम है, 13K का क्लिक है, और यहाँ पे देखें तो रैंकिंग वेबसाइट है ना, तो बिल्कुल भी हाई नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम व्यू ऑल पे क्लिक करके देखते हैं, एक ये लास्ट कीवर्ड बचेगा तो बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 238 कीवर्ड्स आ गए टोटल, और यहाँ पे देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे 27K का सर्च वॉल्यूम है, 20K का यहाँ पे 56 56 ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, अब अच्छा खासा आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, बिल्कुल 0 मिलेंगी, लो मिलेंगी आपको यहाँ पे, और आपको आसानी भी होगा ये सब कीवर्ड्स को रैंक करवाने में दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक, बिल्कुल आसान होगा। तो दोस्तों आप रैंक करा सकते हैं ये सब कीवर्ड को, अच्छा खासा रैंक करा सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से रैंक करवा सकते हैं ये सब कीवर्ड को। नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड्स लास्ट का है DBT बिहार, यहाँ पे ठीक है,
डीबीटी जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। ये जो आप देखें यहाँ पे इनका ट्रेंड चला हुआ चलेगा आज सर्च यहाँ पे क्लिक जो है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सीपीसी इसमें नहीं है बट यहाँ पे आपको वर्क करना। देखिए यहाँ पे सीपीसी के वजह से नहीं, वजह से एक डीए वाली भी रैंक कर गया यहाँ पे, ठीक है 17 वाली भी रैंक हुआ है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है रैंक करवाना है तो आप लोग वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा डीए बढ़ जाती है ना तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रैंकिंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों ये सब कीवर्ड पे। तो यहाँ पे सीपीसी मैटर नहीं करता, अगर आपको एक कंटेंट अच्छा देना चाहते हैं तो आपको एक कीवर्ड पे बिल्कुल वर्क करना चाहिए। अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट हम जो है अब अपने चैनल पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।